अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निटर से हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टेक्नो की ये नई स्मार्टफोन पैंटम 9 जो कि आज आपको इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो इसकी हम आपके लिए करेंगे अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन और देखेंगे कि स्मार्टफोन कैसा है और साथ में इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये देखिए एक स्पेशल तरह का ये बॉक्स है टेक्नो का, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए। तो इस बॉक्स को हम ओपन करेंगे और इसके अंदर आपको टेक्नो फैंटम 9 है। तो आइए हम इसको बॉक्स को ओपन करते हैं और फिर इसके अंदर से स्मार्टफोन को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर से ये स्मार्टफोन को निकाल लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्नो फैंटम 9 मेंशन है। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर ये इमेज को देख के आप समझ गए हुए कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें स्क्रीन के ही ऊपर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसके अलावा बॉक्स के पीछे क्या मेंशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन है ये है आपको AI ट्रिपल कैमरा। उसके ठीक बगल में यहाँ पे आपको मेंशन है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, डुअल फ्रंट फ्लैश लाइट और 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 6 GB की रैम, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे और क्या क्या मेंशन है, तो डिस्प्ले जो है 6.4 इंच की है जो कि आपको फुल HD है। इसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरा है ये आपको 32 MP का है जो कि आपको डुअल फ्लैश के साथ आता है। बैक कैमरे की बात करें तो बैक साइड में आपको इसमें AI ट्रिपल कैमरा है जो कि तीनों लेंस कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। एक है आपको 16 MP का, दूसरा है 2 MP का और तीसरा जो है वो आपको 8 MP का जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बैटरी इसमें 3500 mAh की दी गई है और अगर हम बात करें इसमें प्रोसेसर की तो इसमें आपको MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर इसमें दिया गया है। तो ये सारे यहाँ पे मेंशन है। आइए हम इसके अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसके ऊपर ये जो रैपर लगा है इसको अब हम यहाँ से हम हटाते हैं, फिर हम यहाँ से इसकी बॉक्स के अंदर हम चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम इसके रैपर को यहाँ से हम हटा दिया और ये है बॉक्स के अंदर। चलने से पहले यहाँ पे बॉक्स के साइड में यहाँ पे क्या मेंशन है वो मैं आपको जल्दी से मैं बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन है आपको टेक्नो 111 प्रॉमिस, 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट, 100 डेज रिप्लेसमेंट और 12+1 मंथ यहाँ पे आपको वारंटी। ये तीन चीज़ यहाँ पे मेंशन है, यही है आपको टेक्नो 111 प्रॉमिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर यहाँ सबसे ऊपर क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो बॉक्स के अंदर यहाँ पे देखिए 12+1 मंथ्स वारंटी जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे यूजर मैनुअल और ये इसका बैक कवर है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी क्लासिक लुक दे रहा है। यहाँ पे इनको हम साइड में रखते हैं, यहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा क्या है तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे है आपको टेक्नो फैंटम 9, यहाँ पे देखिए जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया वो सारी यहाँ पे मेंशन है। ये है आपको स्मार्टफोन टेक्नो फैंटम 9, इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि और इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे आपको ये तीन चीज़ें मिलेंगी, ये है आपको इसकी चार्जिंग एडेप्टर, चार्जिंग कॉर्ड और ये है आपको ईयरफोन, ये आप देख सकते हैं ये आपको ईयरफोन है जो कि ब्लैक कलर का। तो ये सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर है। आइए हम इन सबों को साइड में रखते हैं और इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में हम अब बात करेंगे। तो ये जो आपको स्मार्टफोन है इसके ठीक ऊपर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके ठीक नीचे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक है, यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट एरिया दिया गया है, यहाँ पे आपको स्पीकर है। इसके अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इस वॉल्यूम रॉकर की पावर बटन दिया गया है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सिम ट्रे एरिया है। अब हम यहाँ सिम इजेक्टर टूल की सहायता से चेक करते हैं कि इसमें सिम स्लॉट कितने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको 3 सिम स्लॉट है, 2 आपको सिम के लिए और 1 है ये यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 3 है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बैक हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे इसमें 3 लेंस वाला ये बैक कैमरे के साथ ये स्मार्टफोन आता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 3 लेंस यहाँ पे दी गई है, इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको फ्लैश दिया गया है, यहाँ पे आपको फैंटम फोन की ब्रांडिंग, यहाँ पे ब्रांड की ब्रांडिंग टेक्नो यहाँ पे मेंशन है। ये है आपको स्क्रीन जो है यहाँ पे ये देखिए ये आपको ये है आपको स्क्रीन की साइज मैंने आपको 6.4 इंच फुल HD मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे गार्ड लगा पड़ा है जिसको मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए हम इसको हम बूट करते हैं और इसके अंदर चलते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये देखिए ये स्मार्टफोन आपको बूट हो रहा है, यहाँ पे आपको टेक्नो
पावर्ड बाई एंड्रॉइड यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये स्मार्टफोन पूरी तरीके से बूट हो चुका है। यहाँ पे इसके स्क्रीन का फर्स्ट लुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो स्क्रीन जो है 6.4 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डॉट नॉच के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके विंग एंगल की हम बात करें तो काफी सही है, चारों तरफ में रोटेट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आइए अब हम इसके अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसके सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट है, कनेक्टेड डिवाइसेज है, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, ऐप अपडेट है, बैटरी लैब है, डिस्प्ले है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आइए अब हम इसके सबसे नीचे सिस्टम के अंदर चलते हैं। सिस्टम के अंदर देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे रैम 6 GB, इंटरनल स्टोरेज 128 GB, फ्रंट कैमरा 32 MP, बैक आपको 16 MP प्लस 2 MP प्लस 8 MP, 3500 mAh की बैटरी और एंड्रॉयड पी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं। यहीं सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपको रिसेट ऑप्शन भी है, आप जिससे कि आप फैक्ट्री डेटा रिसेट कर सकते हो। अगर हम नेविगेशन कीज की बात करें तो वो स्क्रीन के ऊपर है, बैक, होम और रिसेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए हम इससे बाहर चलते हो, देखिए प्री लोडेड ऐप कौन कौन से हैं। तो प्री लोडेड ऐप इसमें आपको देखिए गूगल की वो सारी ऐप मिलेगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो आइए हम इसके कैमरे के अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या मिलेगा। तो कैमरे के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HDR A है, इसके बगल में यहाँ पे आपको सारे फिल्टर्स दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपको वीडियो है, AI कैमरा है, ब्यूटी है, बुके है, AR शॉट है, पैनोरोमा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे गियर आइकन पे टैप करें तो यहाँ पे इसके सेटिंग के अंदर देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शटर साउंड है, यहाँ पे ग्रिड है, इसके ठीक नीचे लोकेशन है, ऑटो वाटरमार्क, पिक्चर साइज, पिक्चर साइज में देखिए तो मैक्सिमम 16 MP, मिनिमम 6 MP यहाँ पे दिया गया है। अब हम वीडियो पे जब हम टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इसे आप 1080p वाले वीडियो बना सकते हो, उसके बाद 720p, उसके बाद 480p वाले वीडियो इससे आप बना सकते हो। उसके अलावा इसके ठीक बगल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1x 2x जूम दिया गया है, ये इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको वाइड एंगल, ये आप देख सकते हैं ये वाइड हो गया। इसको जैसे मैं हटाऊँगा, 1x करूँगा, ये देखिए यहाँ पर ये हट गया है। और इसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको माइक्रो शॉट के लिए ये देखिए ये दिया हुआ है, तो इसे आप ये देखिए सुपर शॉट मैक्रो फोटो फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। आइए हम इसके फ्रंट कैमरे को हम चेक करते हैं कैसा है। तो ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रंट कैमरे को यहाँ पे ऑन करूँगा, ये देखिए हाय, ये फ्रंट कैमरा ऑन हो गया। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो फ्रंट कैमरा है ये आपको 32 MP का है और साथ में यहाँ पे आपको डुअल LED फ्लैश है। यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे फ्लैश को ऑन करूँगा, ये देखिए ये डुअल LED फ्लैश के साथ यहाँ पे आता है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी सही है, दोनों अलग अलग साइड में है, तो इससे आपके जो पिक्चर की क्वालिटी है वो काफ़ी सही होगी। आइए हम इसको ऑफ करते हैं और इससे लिए हुए जो कुछ इमेजेस है वो मैं आपको मैं अब दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसके बैक कैमरे से लिया है और यहाँ पे इसकी पिक्चर की क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी सही है। ये दूसरा इमेज, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी सही आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको येल्लो है, ये पैरेट कलर है, ये काफ़ी सही कलर में आया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी इसकी जो टॉय है इसकी भी डिटेलिंग और कलर काफ़ी सही है। ये आप देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड की ये भी इसकी भी क्वालिटी काफ़ी सही है। ओवरऑल जो पिक्चर की क्लैरिटी है इसके बैक कैमरे की, ये मैं पूरा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं काफ़ी सही इसकी पिक्चर की क्वालिटी यहाँ पे आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए अब हम इसके जो फ्रंट कैमरे है उसके सैंपल को हम चेक करते हैं, ये भी बैक कैमरे का है। यहाँ पर आप जेबरा काफ़ी आसानी से देख सकते हैं, ये देखिए हल्क किए। आइए अब हम इसके फ्रंट कैमरे, ये देखिए ये मैंने फ्रंट कैमरे से लिया, यहाँ पे इसके पिक्चर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, पूरा मैं आपको जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कितनी दूर से ये लिया हुआ है। सेकंड इमेज यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है फ्रंट कैमरे की और बैक कैमरे की काफ़ी सही है। तो दोस्तों ये तो इसके पिक्चर क्वालिटी हो गई। अगर हम इसके नोटिफिकेशन एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एरिया में आपको मिलेगा वाईफाई, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट, आई केयर है, लोकेशन है, ऑटो रोटेट, एयरप्लेन मोड और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों ये मेरा आपके लिए एक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो था टेक्नो की फैंटम 9 स्मार्टफोन की, जो कि आज आपको इंडिया में लॉन्च हुई है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मेरा चैनल जो कि टेक्न्यूटर है इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सकें। अगला वीडियो लेके मैं जल्द आऊँगा, तब तक सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।